ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। और आप चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पे कृषि फसलों के बारे में, लेकिन कृषि फसलों पर चर्चा करने से पहले नजर डालेंगे कुछ जो विदेशी खबर निकल के सामने आ रही है कि कोरोना का नया स्ट्रेन निकल के सामने आया है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है जिसको B11529 ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है। और जो विशेषज्ञ हैं, जो साइंटिस्ट्स हैं, वो इस स्ट्रेन को, इस वेरिएंट को इतना खतरनाक बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये जो नया वेरिएंट आया है, ये जो डेल्टा वेरिएंट था उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और आपकी जो कोरोना वैक्सीन है उनके दोनों डोसों को भी बेअसर कर सकता है। ये नया स्ट्रेन, नया वेरिएंट इतना खतरनाक देखने को मिलेगा और इसी का ही असर है, हमने कम्युनिटी बाजार पर पड़ता हुआ देखा, चाहे एग्री हो चाहे नॉन एग्री हो। शुक्रवार के दिन, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, कम्युनिटी बाजार पूरा लाल रंग के साथ ट्रेड करता नजर आया था। और हमने कृषि फसलों की बात करें अगर, तो इसका असर कृषि फसलों पर भी पड़ते हुए देखा था। किसी किसी कृषि फसल के अंदर निचले सर्किट भी लगते नजर आए थे। एक दो ही कृषि फसल होंगी जिनके अंदर कुछ हल्की फुल्की मामूली सी बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली होगी, लेकिन ज्यादातर जो कृषि फसलें थी NCDX पर लाल निशान के साथ बंद होती नजर आई थी। अब यहां से कृषि फसलों का बाजार आगे ये जो नया स्ट्रेन आया है उसके मद्देनजर तेजी की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा, इस पर गहराई से चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है रूपा जी। रूपा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नया वेरिएंट आया है इसका असर कृषि फसलों के बाजार पर कितना पड़ता नजर आ सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि बीते शुक्रवार को हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सिर्फ इतनी सी खबर आई थी कि कोरोना का नया वेरिएंट आया है और इतना खतरनाक है कि जो कोरोना की वैक्सीन है उसका भी प्रभाव उस पर कुछ नहीं होगा, और इसी खबर की वजह से पूरा का पूरा कृषि फसलों का बाजार टूटता नजर आया। ग्वार के अंदर हमने 4-4% से ज्यादा का निचला सर्किट लगते देखा, सोयाबीन भी 2.5-3% की गिरावट के साथ बंद होते नजर आई। बात करें मसालों की तो मसालों में भी जोरदार गिरावट देखने को मिली है। आपको क्या लगता है इसका असर अब कृषि फसलों पर कितना देखने को मिलेगा? देखिए, अभी जो हमने फ्राइडे के दिन देखा कि जिस तरीके से कोरोना का ये नए वेरिएंट की बात निकलकर आई, तब सभी कमोडिटीज के अंदर, ना केवल कमोडिटी बाजार में बल्कि इक्विटी बाजार भी धड़ाम होते हुए नजर आए। एक्चुअली में अभी क्या है कि इसका इम्पैक्ट समझना बाकी है कि एक्चुअल में ये कितना इम्पैक्ट डाल सकता है। और अभी तो लोगों के अंदर एक बार जैसे ही ये खबर निकल कर आई, डर बन गया और लोगों ने अपनी सेलिंग जो है वो शुरू कर दी और मार्केट जो है वो सारे क्रैश होते हुए दिखाई दिए। और जहां तक ग्वार की बात है, जो ग्वार लुढ़का क्योंकि कच्चा तेल भी जबरदस्त गिरावट दिखाता हुआ नजर आया, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। तो ग्वार के अंदर 4-4% के नीचे के जो है वो सर्किट लगते हुए दिखाई दिए, मसाले भी लुढ़के, तो सभी कमोडिटीज के अंदर गिरावट बनती हुई नजर आई, क्योंकि एक डर का माहौल बन चुका था कि अब ये वेरिएंट कितना इंपैक्ट डालेगा, अभी इसका एनालिसिस होना बाकी है। और ये अभी देखिए, अभी ये मेन कंट्री से थोड़ा दूर है और अभी अगर इसको वहां पर हो सकता है कि अगर काबू पा लिया गया, आगे ना बढ़ने दिया गया, तो भी देखना होगा कि कैसी आगे जो है स्थिति रहती है, उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा मार्केट का। लेकिन अभी जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो डर का माहौल है, जिसकी वजह से फिलहाल बाजार टूटते हुए नजर आए हैं। लेकिन आप ये देखिए, जब पीछे कोरोना था तब एग्री कमोडिटीज में कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई थी, सभी कमोडिटीज में अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ हमने देखा था। तेलों को, आप तेलों का एग्जाम्पल आपके सामने है, कोरोना में और कोरोना के बाद तेलों में हमने जबरदस्त उछाल आते हुए देखा है। तो ऐसा नहीं है कि कमोडिटी मार्केट के ऊपर इसका कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। छुटपुट देखिए, एक बार हो सकता है कि बाजार जो है वो गिरावट दिखाते हुए नजर आए, क्योंकि अभी समझ नहीं आ रहा कि ये कैसा इंपैक्ट होगा और किस तरीके से बाजारों को ये असर डालेगा। लेकिन खाने पीने की चीजों की कीमतें बिल्कुल भी इंपैक्ट डालती हुई नजर नहीं आएंगी, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट आएगा और बाजार जो है वो गिरावट में जाते हुए दिखाई देंगे। एक बार को हो सकता है कि आपको सभी कमोडिटीज जो है वो गिरावट के साथ दिखाई दे, लेकिन आगे चलकर इसमें तेजी ही बनेगी और वापस से मजबूती के साथ बाजार खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। जी रूपा जी, जैसे आपने बताया कि जब भी पेंडेमिक होता है तो कृषि फसलों पर इतना दबाव बनता नजर नहीं आता है, क्योंकि डिमांड अच्छी खासी रहती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास स्टॉक करके रखते हैं कि कहीं लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में, जो लॉकडाउन है, कहीं वो एक्सटेंड ना होता हुआ साल 2020 में जैसे हमने होता हुआ देखा था। रूपा जी, लेकिन हमने देखा, ये भी देखा था कि वायदा की तेजी की बजाय जो फिजिकल मार्केट में जो तेजी थी वो ज़्यादा रहती है। तो आपको क्या लगता है
अगर लॉकडाउन वाली परिस्थिति एक बार फिर से लगती है तो वायदा की जगह फिजिकल में ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी और एक बार फिर से खाद्य तेल, सोयाबीन, दाल दलहन इनके दामों में तेजी बनती नजर आ पाएगी। देखिए फिजिकल के साथ साथ वायदा में भी तेजी आएगी, ऐसा नहीं है कि अब फिजिकल में आएगी तो वायदा में नहीं आएगी, क्योंकि देखिए लोग अपने आप को हेज भी करते हैं दूसरी फिजिकल के अगेंस्ट, और दूसरा जो है जब अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो एक्सचेंजेस के ऊपर बल्कि वॉल्यूम्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट लगाना चाहते हैं, तो इसमें ट्रेडर जो है व्यापारी लोग जो वो काफी एक्टिव हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वायदा में तेजी नहीं बनेगी। मुझे तो लगता है कि फिजिकल और वायदा दोनों में ही तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, आखिरी सवाल रहेगा आपसे, अगले हफ्ते सोमवार के दिन जब कमोडिटी बाजार खुलेगा तब क्या ये गिरावट जारी रह सकती है? हाँ, अगले हफ्ते हो सकता है आपको ये गिरावट देखने को मिले, क्योंकि अभी तो इस खबर का एनालिसिस होना बाकी है, अभी सैटरडे संडे है तो इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं है मार्केट में, मंडे को देखना होगा इक्विटी मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं, करेंसी कैसे रिएक्ट करती है, और उसके बाद जो है हमारा क्रूड जो है वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा, तो ये सारी चीजें होंगी जिसके चलते बाजारों की दिशा तय होगी। लेकिन हाँ, एक बार को हो सकता है कि आपको अगले हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजारों के साथ हो सकता है कि गिरावट देखने को मिल जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि जो नया वेरिएंट आया है अभी इसका पूरी तरह से एनालिसिस होना बाकी है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो नया वेरिएंट पाया गया है ये ओमिक्रॉन, वहाँ से आने वाली फ्लाइटों पर कुछ देशों ने रोक लगा दी है, अगर इसको वहीं के वहीं काबू पा लिया जाता है तो बाकी देशों में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा और जो कमोडिटी बाजार है चाहे इक्विटी मार्केट है वैसे की वैसे देखने को मिलते रहेंगे एज इट इज़, जैसे हमने तेजी में बनते देखे थे। लेकिन अगर ये यहाँ पर भी फैलते हैं मेन मेन कंट्रीज़ में जो कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी या जीडीपी में अपना अहम योगदान रखते हैं, अगर उन कंट्रीज़ में उन देशों में ये वायरस फैलता है तो फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसका दबाव कमोडिटी बाजार पर या फिर अन्य बाजार पर पड़ता नजर आए। लेकिन जो निवेशक हैं तब भी निवेश थोड़ा बहुत देखने को मिलता रहेगा, इम्पैक्ट जरूर आएगा अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसका पूरी तरह से एनालिसिस होना बाकी है। जब इसका पूरी तरह से एनालिसिस हो जाएगा तो इसका असर इकोनॉमी, जीडीपी और बाजारों पर कितना पड़ता नजर आ रहा है ये तभी देखने को मिल पाएगा। फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।